नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन पर्व पर हरियाणा रोडवेज की बसों में इस बार बहनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। 2006 से लगातार रक्षाबंधन की पूर्व संध्या से लेकर अगले दिन तक महिलाओं और बच्चों को सरकारी बसों में फ्री यात्रा का लाभ मिलता रहा है, लेकिन इस बार भाई बहन के सबसे बड़े त्यौहार पर कोरोना का साइड इफेक्ट हरियाणा रोडवेज बस पर भी पड़ा है। 14 साल में पहली बार रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में बहनें निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगी। हालांकि अटकलें ये भी सामने आ रहे हैं कि रोडवेज को कोरोना काल में 850 करोड़ से अधिक का घाटा हो चुका है। 52 की जगह महज 30 सीटों पर ही सवारियां लेकर रोडवेज की 1300। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आए हैं फ्री के, और शायद यही ऑर्डर आएंगे कि अब की बार भीड़ की वजह से, क्योंकि हम बस में 30 या 35 सवारी बैठाते हैं, अगर फ्री कर दिया तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए अब की बार कोई ऐसे ऑर्डर नहीं आए फ्री के, और फ्री अब नहीं होगा। कितनी सीट होती है बस में? बस में 54 सीट होती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 30 ही सवारी बैठाते हैं बस में, जो डिस्टेंस से। हाँ, तो महिलाओं के लिए फ्री बस होती आपके लिए? नहीं, अब की बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, हम यही कहेंगे भाई पैसेंजरों को डिस्टेंस से बैठाएंगे कंडक्टर ड्राइवर, और उसको सैनिटाइजर करके भेजेंगे, और अब भी भेज रहे हैं सैनिटाइजर करके तो गाड़ी को, तो 30 या 35 सवारी बैठाएंगे, और अब की बार महिला फ्री नहीं होगी। आज पूरे भारत, पूरी दुनिया में महामारी है, हम सोशल डिस्टेंस की दूरी बना के रखेंगे, कोई लोग सड़क पर नहीं आवे, छोटे छोटे बच्चों को बहनें साथ लेके चलती हैं, कोई तो बीमारी के लिप्त में ना हो, और इसलिए हमने इसकी जानकारी दी। हम कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं देंगे कि जो बसों को अपना फ्री परिवहन सेवा, जो पहन निकलने के लिए तैयार नहीं है, घर से बाहर तैयार नहीं है, हमें इसको इसका ध्यान रखना है, तो बीमारी का ज़्यादा।